चलो देखना यहाँ पे हम लोगों को कि नेक्स्ट टाइप का केस रहता है यहाँ पे OH CH2 CH2 ग्रुप। अब इस ग्रुप के जगह पे कोई भी सा ग्रुप हो सकता है, मतलब फ्लोरिन भी हो सकता है, OH हो सकता है, एल्डिहाइड, NO2 और एसिड, या जो भी ग्रुप हो यहाँ पे। देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। अब यहाँ पे जो हम लोगों को ड्रॉ करना, मैं कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे है जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे इस ग्रुप के जगह कोई स्पेसिफिक कर देता हूँ, एफ या OH, HO CH2 CH2, और ये F आ गया यहाँ पे है। अब इस केस में क्या करना है, इसका भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ड्रॉ करना। और जब इसका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ड्रॉ करेंगे, इसमें दो ही कार्बन आ रहा है यहाँ पे, तो दो ही कार्बन आ रहा है, किसी एक को C1 और किसी एक को C2। अब C1 C2 के बीच में कन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना है, तो सोचने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे C1 C2, तो किसी एक न्यूमॉन प्रोजेक्शन में हमेशा ड्रॉ करते हैं, तो न्यूमॉन प्रोजेक्शन में जब ड्रॉ करेंगे, किसी एक को फ्रंट कार्बन और किसी एक को बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे पॉइंट से, और बैक कार्बन को सर्कल से, यही काम हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो C1 कार्बन था, जिसको कि पॉइंट मैंने माना था, और C2 कार्बन को बैक कार्बन, तो C1 कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है, एक OH ग्रुप और 2 H ग्रुप। अब C1 C2 के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो अंडरस्टूड रहता है कि ये C1 फ्रंट कार्बन, इसके जस्ट पीछे क्या होगा, C2 बैक कार्बन। तो C1 C2 के बीच में तो बॉन्ड है कि वो अंडरस्टूड है कि उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है C1 C2। अब यहाँ पे C1 कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड था, एक OH ग्रुप और 2 H भी है, जो कि 120 डिग्री पे दिखाते हैं। C2 कार्बन में क्या क्या कनेक्टेड है, एक F है, और फिर क्या रहेगा इसमें, H और H। अब इसको क्या करना है, कन्फॉर्मर्स का दूसरा नेम क्या था, रोटामर्स, इसको रोटेट कराना है। कितने एंगल से रोटेट कराएंगे, हम लोग 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे यहाँ पे, जब भी रोटेट कराएंगे। अब बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करा देना था यहाँ पे है। और जब बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे, ये OH, फ्रंट कार्बन तो फिक्स है यहाँ पे, जो सीवन जो पॉइंट था, फ्रंट कार्बन था वो फिक्स है, जो बैक कार्बन है उसको रोटेट करा रहा है यहाँ पे हम लोग। जब उसको 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे, ये क्या होगा, एफ एच, और ये एच आ जाएगा। अब क्या करो यहाँ पे है, फिर से 60 डिग्री से रोटेट कराना है, और कब तक रोटेट कराएंगे वो पता है यहाँ पे है। तो फिर से 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे है, एक नया फॉर्म मिलता है, OH H, फ्रंट कार्बन तो फिक्स है, F H और ये H। 60 डिग्री से रोटेट और करा दो यहाँ पे है, तो इस केस में क्या होगा, OH H H। अब ये जो F है यहाँ पे आ जाएगा इस केस में, F H और H। और भी रोटेट कराना चाहो तो रोटेट करा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कब तक रोटेट कराएंगे, अप टू 360, बट यहाँ पे 180 तक भी रोटेट कराए हम लोग, जो फॉर्म मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। बाकी अब जो, अगर तो दो तीन स्ट्रक्चर और उसको मैं दिखा देता हूँ इस केस में, ये OH H H F H और H। 360 तक रोटेट कराना है हमें यहाँ पे, क्योंकि आइसोमर्स का नाम ही है रोटामर्स, सही है, OH H H F H और H। एक और मैं नीचे दिखा देता हूँ इस केस में, OH H H। अब ये F इधर दिखा देना था बेसिकली, दैट मीन्स एडजेसेंट में दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 3D में सोच के दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा वो, H और ये H। अब यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, तुम लोग खुद से बताओ, इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कौन सा फॉर्म है वो, बताओ कोई एक बताओ। फुल्ली इक्लिप्स। सही है, बिल्कुल। ये क्या होगा, जो लार्जर ग्रुप है OH और F एक दूसरे को ओवरलैप करा देते, क्या रहेगा, फुल्ली इक्लिप्स, बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला फॉर्म कौन सा रहेगा, बताओ, सोच के बताओ सब लोग। सही, कुछ लोग चैट में बता रहे हो, गॉज फॉर्म, सही है बिल्कुल। ये क्या रहेगा, OH F। तो जब भी 0 डिग्री आ रहा था यहाँ पे फुल्ली इक्लिप्स, जब इसको 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो क्या होगा इस केस में, गॉज फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या रहेगा, गॉज स्टेगर्ड या सिंपली गॉज फॉर्म। मेनली क्या है, दो फॉर्म रहता है, इक्लिप्स और स्टेगर्ड।
जहां पे 60 डिग्री दैट मींस ग्रुप जो है दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है दैट मींस वो स्टेगर्ड, यहाँ पे गॉच स्टेगर्ड, ये भी स्टेगर्ड और ये भी स्टेगर्ड, और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है बॉन्ड वहां पे या ग्रुप, वो क्या हुआ इक्लिप्स। ये फुल्ली इक्लिप्स, ये गॉच स्टेगर्ड या सिंपली गॉच, ये कौन सा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे बताओ, सब लोग बताओ इसमें। यहाँ पे एच ओ एच और एच और एफ, तो जो लार्जर ग्रुप है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, सही है बिल्कुल। वो क्या रहेगा इसमें, सही कुछ लोग चैट में बता रहे हो, सही है सब लोगों का, वो क्या रहेगा पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स। और ये जो फॉर्म आएगा ओ एच और एफ, जो ग्रुप मेन है यहाँ पे ओ एच और एफ लार्जर ग्रुप, वो अपोजिट आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सही बिल्कुल एंटी स्टेगर्ड, सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा एंटी स्टेगर्ड। बाकी का जो फॉर्म है वो रिपीट करता है, ये भी क्या होगा पार्शियल इक्लिप्स, में शॉर्ट में लिख देता हूँ पीई पार्शियल इक्लिप्स। ये कौन सा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे गॉज, क्योंकि जितने एंगल पे ओएच और एफ 60 डिग्री पे आ रहा था यहाँ पे डायहेड्रल एंगल क्या आ रहा था 60 डिग्री, यहाँ पर भी ओएच और एफ 60 डिग्री पे था, दैट मींस ये भी गॉज। और लास्ट वाला फिर क्या हो जाएगा एफ ही फुल्ली इक्लिप्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मेनली तो चार डिफरेंट फॉर्म आ रहा, बाकी तो रिपीट करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि फुल्ली क्लिप्स, गॉज, पार्सली क्लिप्स और एंटी स्टेगर्ड में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की मेनली क्वेश्चन भी जो रहता है एग्जाम में स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा। एक पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर है कि स्टेगर्ड फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा इक्लिप्स फॉर्म से, क्यों, क्योंकि स्टेगर्ड फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन एज वेल एज वेंडर वाल स्ट्रेन दोनों मिनिमाइज हो जाता है। अब टॉर्जनल स्ट्रेन और वेंडर वाल स्ट्रेन क्या था, उसको रखने की जरूरत नहीं है, दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन को वेंडर वाल स्ट्रेन और दो बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन को टॉर्जनल स्ट्रेन। यहाँ पे जो स्टेगर्ड फॉर्म होता है उसमें जो ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा और दो बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है, जबकि इक्लिप्स वाले फॉर्म में वो मैक्सिमाइज रहता है, वो ज्यादा रहता है वहां पे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में तो क्लियर है कि गॉच और एंटी स्टेगर्ड में, अब यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हो कि सर एंटी स्टेगर्ड देन गॉच देन पार्सली देन फुली इक्लिप्स, सही था वो इस केस में देख रहे थे यहाँ पे, बट अगर बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आता तो फिर अलग से वेरिएशन लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। अब यहाँ पे होता है क्या इस केस में, ये जो H है और ये जो F है, ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या हाइड्रोजन एटम बोलो यहाँ पे ऑक्सीजन से, और एक फ्लोरिन भी है यहाँ पे, इसके बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एंटी वाले में नहीं रहता, OH और F अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, इसमें इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, जबकि इसमें क्या होता है इस केस में इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्लियर यहाँ पे तुम्हारा, इसमें इस केस में जो किस केस में आ रहा है गॉच वाले केस में, जो एच है हाइड्रोजन जो आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है और ये फ्लोरिन आ रहा है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ जाता है, और ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग अब जो गॉच फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है यहाँ पे, गॉच सबसे ज्यादा, फिर एंटी, बाकी सेम रहेगा यहाँ पे एंटी देन पार्शियली इक्लिप्स, पी का मतलब क्या है पार्शियली इक्लिप्स देन फुल्ली इक्लिप्स। क्लियर है यहाँ पे है, तो जब भी यहाँ पे मैंने ग्रुप लिया हुआ है यहाँ पे फ्लोरीन है ये भी एच बॉन्डिंग कर पाता है दूसरे इस एच के साथ, अगर OH भी होता तो OH का जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो भी इस एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनाएगा इंटरमोलिकुलर, जब वो इस पोजिशन पर यहाँ पे है, दैट मीन्स गॉच वाले फॉर्म में आ रहा हो 60 डिग्री एंगल पे आ रहा हो, और एंटी में तो कभी बनाएगा ही नहीं यहाँ पे है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो यही दो स्टेगर्ड फॉर्म था गॉच और एंटी, इसमें सोचना था कि कौन सा ज्यादा स्टेबल। नॉर्मल ब्यूटेन में क्या था, इसमें कोई भी OH या फ्लोरीन जैसा कोई ग्रुप ही नहीं आ रहा था, इसमें कोई एच बॉन्डिंग काम नहीं कर रहा था ऊपर वाले में, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, दैट मींस वहां पे एंटी ज्यादा स्टेबल और गॉच उसके बाद, बट यहाँ पे गॉच में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ जाता है जिसके चलते गॉच सबसे ज्यादा स्टेबल देन एंटी देन पार्शियली इक्लिप्स देन फुल्ली इक्लिप्स। यहाँ पे जो ग्रुप मैंने लिया था एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है या दोनों साइड OH OH हो या एल्डिहाइड हो या NO2 ग्रुप हो या
कार्बोक्लिक हिट ग्रुप है, वहां पे ग्रुप देखने हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा या नहीं लगेगा। तो गॉज फॉर्म जैसे ड्रॉ करोगे क्लियरली पता चल पाएगा इंट्रामोल पे एच बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एनटी से ड्यू टू इंट्रामोल पे एच बॉन्डिंग। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो सब लोग पहले। कोई डाउट है तो यहां तक हो सकते हो। तो नोट भी कर लीजिए कि इस कंपाउंड का अगर नेम भी पूछा जाए यहाँ पे, इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम क्या रहेगा, 1-2 दो ही कार्बन है इसमें, सेकेंड कार्बन पे आईपीएससी के अकॉर्डिंग नेमिंग भी करते हैं, वेट अल्कोहल फंक्शन ग्रुप आ रहा है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या रहा था, 2-फ्लोरो इथेनॉल, 1-इथेनॉल बोल सकते हैं इसमें, 2-फ्लोरो 1-इथेनॉल, यहाँ पी है कि कंपाउंड का नेम भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें स्ट्रक्चर ही देगा, उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि 2-फ्लोरोइथेनॉल या इथेन वन ऑल का जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से ड्रॉ करेंगे उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा वहाँ पे। तो पहले 2-फ्लोरोइथेनॉल बोला जा रहा था, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना था वहाँ पे, और उसके बाद कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, स्टार्ट कौन से करना, हमेशा फुल्ली क्लिप्स दैट मीन्स जीरो डायहेड्रल एंगल पे, और उसको 60 डिग्री से रोटेट करा के फिर उसका कन्फॉर्मर नोड ड्रॉ कर पाएंगे। बाकी इसका एक हम लोग डाउट है इसमें, तो देखते हैं यहाँ पे गॉज का स्टेबिलिटी, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि इक्लिप्स और स्टेगर्ड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, हमेशा स्टेगर्ड का, क्योंकि स्टेगर्ड वाले फॉर्म में जो टॉर्जनल स्ट्रेन होता है एज वेल एज वेंडर वाल स्ट्रेन, वो दोनों मिनिमाइज रहता है यहाँ पे, क्योंकि जब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा ग्रुप, नजदीक होगा ग्रुप और बॉन्ड, वहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है इक्लिप्स वाले केस में एज कम्पेयर टू स्टेगर्ड, दैट मीन्स इक्लिप्स का स्टेबिलिटी तो हमेशा कम होगा, दैट मीन्स ये पार्शियली इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स हमेशा कम रहेगा एज कम्पेयर टू गॉच और एनटी। अब क्वेश्चन आता है कि गॉच और एनटी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे ठीक है ओएच और क्लोरीन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन कम होगा, बट यहाँ पे जो हम लोग पिछले वाले केस में देखते थे यहाँ पे ओएच और एफ के बीच में रिपल्सन होता, CH3 बीच में रिपल्सन होता था, अब यहाँ पे रिपल्सन ना होकर अट्रैक्शन ही होता है ओएच और एफ के बीच में अट्रैक्शन, और उसी अट्रैक्शन को क्या नाम देते हैं हम लोग, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, क्योंकि पढ़ रखे ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में, और जहां कहीं भी इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है वो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है यहाँ पे, जबकि एनटी वाले में कोई इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं आएगा, ये एच इस टाइप से इंट्रा इतनी दूर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता यहाँ पे, जो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें आ रहा है यहाँ पे है गॉच वाले फॉर्म में, और ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग गॉच का एक्टिविटी ज्यादा है यहाँ पे, सिंपल सा रीजन याद रखना है। एग्जाम में स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड में 2-फ्लोरोइथेनॉल में गॉज का स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, तो गॉज वाले फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करता है, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर पाता है इस कंफॉर्मर्स में, दैट मीन गॉज का स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये भाई, और इसका जो एनर्जी ग्राफ है, एनर्जी और डायहेड्रल के बीच में जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे वो खुद से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्लियर है इसको, इसको अगर नोट कर ले तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर। कर लिए नोट डाउन कर लिए सब लोग यहां तक,
इसको हेडिंग देना चाहो यहाँ पे है कंफर्मर्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस था यहाँ पे। अब तुम्हें क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, तुम्हें खुद से मान लो कि ये क्वेश्चन आता है OH CH2 CH2 OH, यहाँ पे तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा जब C1 C2 के बीच में कंफर्मर ड्रॉप होते, इधर भी OH OH, यहाँ पे F के जगह क्या होता है OH, O और इस H के बीच में क्या रहता है यहाँ पे है इंट्रामोल का एच बॉन्डिंग, तो दोनों साइड अगर OH OH है वहां पर भी क्या होगा इंट्रामोल का एच बॉन्डिंग हो पाएगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? बाकी लोग बताओ, क्या बता रहे हो सर? वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ थोड़ा ब्रेक हो रहा है, चलो ठीक है। अब तो ठीक है, अभी तो क्लियर आ रहा है, सर, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर। यहाँ तक नोट डाउन कर ले सब लोग, बताओ। अब ये भी यस के सर। तो ठीक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी मेंस वगैरह में भी आते रहता है, दैट मींस NTA यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो इसको ध्यान देखना। और मेनली स्टेबिलिटी वाला ही पूछता है वहां पे, स्टेबिलिटी क्या रहेगा या किस रीजन से स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है वो भी बताना है। इस केस में इंट्राबल के कारण गॉस स्टेबिलिटी ज्यादा है, या सिर्फ स्टगर्ड और इक्लिप्स में पूछा जाए कि स्टगर्ड का स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा, क्योंकि स्टगर्ड वाले फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन एज वेल एज बेंडर वाले स्ट्रेन मिनिमाइज हो जाता है। ये सब कुछ रीजन भी याद रखना है सबका, क्योंकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सॉल्व करके आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है इसमें कन्फर्मर्स इन साइक्लोहेक्सेन, नेक्स्ट डालना है इसमें कन्फर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सिंपली कंफॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन, कंफॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर देखने की जो साइक्लोहेक्सेन होता है इस केस में, तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर सबको पता है यहां पे है कि साइक्लोहेक्सेन इस टाइप से आता है यहां पे। अब जैसे कि कुछ याद हो यहां पे, हम लोग एक एरोमेटिक सिटी में पढ़े हुए थे इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड है यहाँ पे ये किस नेचर का होता था, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, कुछ याद हो? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक रीजन क्या था इसका? एग्जिट्स बाथटब इंटर स्ट्रक्चर था, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए वो सही है, दो प्लेन बिल्कुल में चले जाते। सब लोगों का सही है। ये जो एग्जिस्ट करता था टब से फॉर्म एग्जिस्ट करता था, डेट में से नॉन प्लेनर होता था और नॉन एरोमेटिक हो जाता था। तो सेम टाइप से ये जो साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो एंगल अपॉक्स 120 रहता है यहाँ पे है, बट ये जो रहेगा इस केस में तुम्हारा दो दो एच है, SP3 है यहाँ पे है, अंडरस्टूड दो दो एच है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन होने के चलते बॉन्ड एंगल क्या रहेगा इसका 109.5। यहाँ पर भी जितना एंगल होना चाहिए था उतना एग्जैक्ट एंगल नहीं आ पाता, जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। और ये भी हम लोग प्लेन में दिखा रहे हैं यहाँ पे इस केस में, बट SP3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, और SP3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स 3D फिगर। ये भी जो साइक्लोहेक्सेन होता है ये प्लेनर नहीं होता, ये भी नॉन प्लेनर होता है, 3D में एग्जिस्ट करता है ये भी। और जब 3D में एग्जिस्ट करता है तो उसको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट फॉर्म जो रहता है इस केस में साइक्लोहेक्सेन का, उसको बोलते हैं वो चेयर फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म बोलते हैं? चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन का ही जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें चेयर फॉर्म। अब देखना कि चेयर फॉर्म जो रहता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं यहाँ पे, इसको समझना है यहाँ पे। तो चेयर तो सब लोगों को पता है कि चेयर का किस टाइप का रहता है, इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है इस टाइप के ड्रॉ करते हैं, देख लोगे यहाँ पे, उसके बाद नोट करोगे तो समझ लोगे पहले। अब
इसका जो रहता है साइक्लोहेक्सेन कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। देखोगे यहाँ पे ध्यान से, वैसे एक कंप्लीट चेयर नहीं लग रहा दिखने में, बट इसी फॉर्म को क्या बोलता हूँ यहाँ पे, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म अगर देखोगे तो प्रॉपर ये पार्ट तो आ रहा है, कुछ दिख रहा है उस टाइप से, अगर नीचे भी यहाँ पे कुछ रहता है इसके इसमें तो एग्जैक्ट चेयर जैसा दिखता, बट ये चेयर फॉर्म ही बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो टोटल कार्बन क्या रहा है, 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी दिखाना है इसके इसमें, और नंबरिंग कैसे भी कर दो इसमें, 1 में डिफरेंट कलर से कर दिखा दो यहाँ पे, क्या नंबरिंग करते हैं। उससे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को भी दिखाना है कि हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन भी है, और जब दो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे है तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हमको परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, फिर इसमें परपेंडिकुलरली अपवर्ड H, फिर इसमें डाउनवर्ड H, अल्टरनेट दिखा रहे हैं यहाँ पे, फिर परपेंडिकुलरली अपवर्ड H और इसमें परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड H, इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे जो भी वर्टिकल लाइन दिखाया गया परपेंडिकुलरली अपवर्ड या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल हाइड्रोजन, H A, A फॉर एक्सियल। एक का मतलब क्या होता है, एक्सियल। तो एक्सियल हाइड्रोजन को कैसे दिखाएंगे यहाँ पे चेयर फॉर्म में, ध्यान से देखना था इसको, अभी याद ही हो जाए ध्यान से देखोगे इसमें। तो जो एक्सियल हाइड्रोजन होता है उसको चेयर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें 1 कार्बन से, अब नंबरिंग भी कर सकते हो 1, 2, 3। तो जो अगर यहाँ पे एक अपवर्ड दिखा रहे हैं एक्सियल हाइड्रोजन को, तो दूसरा एक्सियल हाइड्रोजन क्या रहेगा, डाउनवर्ड। फिर जो नंबरिंग में कर ही देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर अपवर्ड है तो सेकंड कार्बन पे डाउनवर्ड, फिर थर्ड कार्बन पे अपवर्ड, फोर्थ कार्बन पे डाउनवर्ड, फिफ्थ कार्बन पे अपवर्ड और सिक्स्थ कार्बन पे डाउनवर्ड। ये जो भी वर्टिकली दिखाया गया चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सियल हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे कैसे एक्सियल हाइड्रोजन को दिखाते हैं चेयर फॉर्म में। अब एक एक हाइड्रोजन और भी है कार्बन पे, अब जो एक एक हाइड्रोजन और भी है कार्बन पे उसको यहाँ पे हम इस तरीके से दिखाते हैं। एंगल क्या रखना है अप्रॉक्स, 109.5 के अप्रॉक्स। ये एच ए यहाँ पे आ रहा है इस केस में, सॉरी एच ई। ई क्या होता है यहाँ पे, ई फॉर इक्विटोरियल, ई क्यू यू ओ इक्विटोरियल। एक्जियल और इक्विटोरियल हाइड्रोजन दो डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। एच ई, एच ई। अब यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन को जो हम दिखाते हैं वो कैसे दिखाता है यहाँ पे है, कुछ एंगल 109.5 के आसपास होगा, और भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। एच ई, एच ई, एच ई और इसमें जो रहेगा यहाँ पे बेसिकली इस टाइप से रहता है एच ई। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें कि जो हम लोग इक्विटोरियल हाइड्रोजन को दिखाते हैं इस केस में यहाँ पे, तो वो कैसे दिखाते हैं इक्विटोरियल हाइड्रोजन को, जो एक्जल तो क्लियर है कि एक्जल कैसे दिखाते हैं, परपेंडिकुलरली अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब इसके बीच का जो एंगल हो यहाँ पे अप्रॉक्स 109.5 हो, अगर यहाँ पे पैरेलली दिखा दे तो इस केस में तो 90 आ जाएगा वहाँ पे है, मुझे 90 नहीं रखना है, 109.5 क्योंकि sp3 है, 109.5 रहेगा। यहाँ पे जो अप्रॉक्स इक्विटोरियल वाले को दिखाते हैं एक्जल से वो क्या हो, 109.5। ये भी क्या आ रहा है, 109.5। ये भी यहाँ पे कुछ ज्यादा लग रहा है बट एग्जैक्ट में क्या होता है वो 109.5। एच ए नीचे है, एच ई को ऊपर दिखाएंगे यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे और ये फिफ्थ कार्बन पे भी, एग्जैक्ट ये 90 नहीं है, ये बेसिकली एंगल क्या होता है यहाँ पे 109.5 के अप्रॉक्स। और सिक्स कार्बन पे लग रहा है 109.5 से ज्यादा है बट वो 109.5 के अप्रॉक्स ही रहता है वहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, तो पहले एच ए को दिखा लो एक्जल हाइड्रोजन को और उसके बाद 109.5 के अप्रॉक्स उसको भी दिखा सकते हैं यहाँ पे हम लोग। इसको ड्रॉ करो पहले तुम लोग, अब इसको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है तो इसको प्रॉपर ड्रॉ करोगे यहाँ पे। या इसमें एक और तरीका होता है कि जो 5-6 का जो एंगल, ये जो बॉन्ड है 5-6 बॉन्ड, इसके पैरेलल इस लाइन को दिखाते हैं यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रहा है। अगर इसी 5-6 को अगर आगे बढ़ाते तुम यहाँ पे है, तो
इस लाइन के पैरेलल जो ये जो बॉन्ड आ रहा था इक्विटोरियल का, इसके पैरेलल आ रहा है, दैट इज वो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब ये जो एच ई है यहाँ पे, ये हम लोग किसके पैरेलल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये पैरेलल टू 5-6 बॉन्ड, जो 5-6 बॉन्ड आ रहा था 5th कार्बन और 6th कार्बन का, इस बॉन्ड के पैरेलल एच ई को दिखाना होता है यहाँ पे। अब यहाँ का जो एच ई है इसको किसके पैरेलल दिखाना है यहाँ पे, 4-5 जो बॉन्ड है इसके पैरेलल दिखाना होता है यहाँ पे, या सिंपली 109.5 के प्रॉप दिखाओ तो वो करेक्ट आ रहा है, इसको नोट कर लो पहले यहाँ पे। तो साइक्लोहेक्सेन का ये चेयर फॉर्म रहता है यहाँ पे। अब इसी चेयर फॉर्म को क्या करना है, कन्वर्ट करना है मुझे। ये तो चेयर फॉर्म में कन्फॉर्मर्स में कन्वर्ट करना है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको यहाँ पे। तो ध्यान से देखोगे तो नोट कर लो इसको पहले। मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले चेयर फॉर्म बना लिया एक कार्बन का, और उसके बाद हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन वो दिखाते हैं। एक्सियल हाइड्रोजन को कैसे दिखाते हैं, परपेंडिकुलरली अपवर्ड डाउनवर्ड, वो यहाँ से वन मानते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक को अपवर्ड तो दूसरे को डाउनवर्ड। कर लिए यहाँ पे सब लोग नोट डाउन। चलो अब इसका दूसरा फॉर्म ड्रा करते हैं। इसी चेयर फॉर्म को अगर कन्फॉर्मर्स में कन्वर्ट किया जाए, दैट मीन इक्लिप्स या स्टेगर्ड फॉर्म, इसमें कन्वर्ट होता है वो देखना है यहाँ पे। इसी चेयर फॉर्म को इक्लिप्स या स्टेगर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखना है किसको जब कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा तुम्हें, इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है 2 से लेके 4 तक का जो कार्बन है 2, 3, 4, नीचे वाले पोर्शन को तुम लोग यहाँ पे होल्ड करो, ध्यान से समझोगे इसमें। नीचे वाला जो पोर्शन है इसको होल्ड करते हो 2-3 बॉन्ड को या 4 तक, तो 2-3 बॉन्ड को अगर होल्ड करते हो और इसको खींच के सामने लाते हो यहाँ पे 3D में, तो जब 2-3 बॉन्ड को खींच के सामने लाओगे, ये तो 2 वाला जो कार्बन तुम्हें दिखेगा, सेकेंड कार्बन जो है वो तुम्हें आगे दिखेगा, और किसके आगे दिखेगा तो 1 के जस्ट सामने 2 दिखेगा, क्योंकि 2-3 बॉन्ड को होल्ड करके हम लोग सामने उसको खींच रहे हैं यहाँ पे। ये जो 1 वाला कार्बन है, 1 वाले कार्बन के जस्ट ऊपर तुम्हें सेकेंड दिखेगा, और जो यहाँ पे 4th वाला कार्बन है तो 4th वाला कार्बन भी सामने दिखेगा फ्रंट में, क्योंकि इसको भी हम लोग इस पार्ट को 4 से लेके 2 तक जो बॉन्ड है इसको पूरे पोर्शन को होल्ड करके हम लोग सामने ला रहे हैं, तो 4 वाला जो कार्बन वो भी सामने दिखेगा, और 5th वाला जो कार्बन है तुम्हें 4 के जस्ट पीछे दिखेगा। इस टाइप से कुछ देखो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक यहाँ पे आ रहा है और एक और सर्कल बना लो यहाँ पे, एक पॉइंट में बना लेता हूँ इस केस में, और एक ये पॉइंट। अब देखना, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 वाला जो कार्बन है, 2 से लेके 3 का जो बॉन्ड है उसको होल्ड करके सामने लाना है, और जब सामने लाओगे तो 2 सेकेंड कार्बन जो 1 कार्बन पे ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, 1 अभी भी बैक रह जाएगा, और 2-3 बॉन्ड को जब होल्ड करके सामने ला रहे हैं हम लोग यहाँ पे है, तो 2-3 जो है यहाँ पे है वो सामने आ जाएगा ओवरऑल। यहाँ पे जो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रहेगा इसमें, सेकेंड कार्बन, और ये जो रहेगा तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन रहेगा जो कि बैक कार्बन होगा। अब 5-4 की बात करें तो यहाँ पे 4 फ्रंट कार्बन होगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, और 5th क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे, बैक कार्बन। अब ठीक है, जो 3rd वाला कार्बन है ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 और 4 से ऊपर दिख रहा है यहाँ पे 3rd वाला कार्बन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2nd और 4th कार्बन से ऊपर दिख रहा है 3rd, तो 3rd वाला जो कार्बन है यहाँ पे ये ऊपर दिखेगा यहाँ पे ओवरऑल, और वो 6th कार्बन जो है यहाँ पे है वो नीचे आ रहा है तो नीचे दिखेगा ओवरऑल। तो 3rd कार्बन जो तुम्हें दिखेगा, और 3rd कार्बन कनेक्टेड किससे है,
सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन से थर्ड कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स सेकेंड और फोर्थ, दैट मीन्स पॉइंट वाला जो था थर्ड कार्बन से, थर्ड तुम्हें दिखेगा इस टाइप से, और सिक्स कार्बन किससे कनेक्टेड है यहाँ पे है, वन और फिफ्थ से, दैट मीन्स बैक कार्बन से कनेक्टेड होगा सिक्स कार्बन, और सिक्स कार्बन नीचे दिख रहा है तुम्हें वन और फिफ्थ के नीचे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो ये वन और ये फिफ्थ, उसके नीचे दिख रहा है सिक्स कार्बन, दैट मीन्स वन और फिफ्थ से नीचे दिखेगा ये तुम्हारा सिक्स कार्बन, ये क्या आ गया तुम्हारा थर्ड कार्बन, और ये आ गया तुम्हारा सिक्स कार्बन। तो कार्बन को दिखा लिया यहाँ पे, अब देखना है कि जब न्यूमन पोजिशन वो दिखाते हैं तो ये जो बाउंड आ रहा है इस केस में, ये एंगल क्या रहा है इसमें 60 डिग्री के अप्रॉक्स, तो हर एक कार्बन पे दो दो एच भी है, तब दो दो एच को भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये एंगल 60 है, तो बाकी जो एच होगा यहाँ पे है वो भी क्या रहता है 60 पे, एक एच इधर आ जाएगा, एच आ गया, सेकेंड कार्बन से दो दो एच था उसको दिखा दिए, फर्स्ट कार्बन से भी दो दो एच है, और फर्स्ट कार्बन से भी अगर दो दो एच है एच को दिखा दोगे, और एक एच ऊपर था फर्स्ट कार्बन से ऊपर दिखा दिए एक्सियल को, और इक्विटोरियल इधर आ रहा था फिर यहाँ पे एच ई, सिमिलरली फोर्थ कार्बन से क्या आ रहा है, दो दो एच कनेक्टेड है, और फोर्थ कार्बन से अगर दो दो एच कनेक्टेड है, एक एच कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा इसमें एच डाउनवर्ड, और एक एच इसके डायरेक्शन में आ रहा है। जब हम लोग कन्फॉर्मर्स में ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो एंगल रखना है अप्रॉक्स, जो मैंने पहले भी बताया था 120 के अप्रॉक्स रखते हैं यहाँ पे, और ये जो सिक्स कार्बन था, सॉरी फिफ्थ कार्बन, जो बैक कार्बन जो सर्कल आ रहा था यहाँ पे, फिफ्थ कार्बन से भी क्या आ रहा है एच, और एक एच आ रहा है यहाँ पे, और बाकी थर्ड कार्बन और सिक्स कार्बन पे भी दो दो एच है, इसको रेंडमली इस टाइप से दिखा देंगे लोग यहाँ पे। अब तुम लोगों को सोच के बताना है कि इसको स्ट्रक्चर देख करके ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स या स्टेगर्ड, बताओ कोई एक बताओ इसमें ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, इक्लिप्स फॉर्म या स्टेगर्ड। सही है, इसमें बाकी लोग भी बताओ स्टेगर्ड फॉर्म है, कैसे पता करते हैं स्टेगर्ड और इक्लिप्स, यहाँ पे सब लोग का सही है चैट में बता रहे हो, पांच चार लोग जो भी प्रॉपर नेम तो मैं सबका नहीं ले पा रहा हूँ, देखोगे इसमें सबका करेक्ट था, वो क्या रहेगा सबका स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा है। क्यों स्टेगर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो कितने एंगल है यहाँ पे, एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल आ रहा है, ये भी क्या रहेगा 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इस केस में, ये जो फॉर्म आ गया चेयर फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म आ गया यहाँ पे स्टेगर्ड फॉर्म। इसको कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ चेयर फॉर्म से, ये कन्फॉर्मस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो याद रखना है कि 2, 3, 4 वाला जो पोर्शन है जो नीचे दिख रहा है उसको होल्ड करना है और सामने खींचना है इस टाइप से, जिससे कि ये 2 वाला बाउंड को अगर सेकेंड कार्बन को अगर सामने होल्ड करके लाओगे ये 1 के जस्ट ऊपर दिखेगा तुम्हें, जो कि यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि 1 के जस्ट ऊपर सेकेंड को, सेकेंड का मतलब क्या, पॉइंट का मतलब फ्रंट कार्बन, और सर्कल का मतलब क्या है उसमें बैक कार्बन, तो इस तरीके से लोग दिखाता है यहाँ पे, इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लो। और ये कौन सा फॉर्म आ गया स्टेगर्ड, इसका यूज आगे देखेंगे क्या यूज है स्टेगर्ड का, क्लियर है यहाँ पे, इसको प्रॉपर ड्रॉ भी करना है इस वाले फॉर्म को भी। इसको और करेक्ट दिखा सकते थे तो ये यहाँ से स्टार्ट करके दिखा सकते हैं उससे, यहाँ पे एग्जैक्ट वो 60 डिग्री पे ये भी एंगल दिखे यहाँ पे। अब यहाँ पे जब स्टेगर्ड फॉर्म आ गया इस केस में, तो स्टेगर्ड फॉर्म में होता है क्या इस केस में, टॉर्जनल स्ट्रेन, वैंडर वाल स्ट्रेन, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिंग बना रहा होता है इस केस में, तो जब रिंग वाला केस होता है तो उसमें एक टर्म और भी यूज करते हैं, तो रिंग में कौन सा एक स्ट्रेन और भी क्रिएट हो जाता है रिंग के केस में, बता सकते हो तो बताओ, इसमें हम पढ़ चुके हैं जब रिंग का केस होता है तो उसमें एक और भी स्ट्रेन आ जाता है उस एंगल के कारण, वो टर्म क्या यूज करते हैं वहां पे हम लोग, एंगल स्ट्रेन, जो तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो रिंग वाले केस में एंगल स्ट्रेन भी रहता है, तो एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वैंडर वाल स्ट्रेन, वैंडर वाल स्ट्रेन,
ये तीनों जो होता है मिनिमाइज होता है, एंगल स्ट्रेंथ, टॉर्जन स्ट्रेंथ एंड वेंडरवाल स्ट्रेंथ आर मिनिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इन स्टेगर्ड फॉर्म, या चेयर फॉर्म का ये बना रहे हैं, बोल सकते हो चेयर फॉर्म। ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म आ रहा था, दूसरा फॉर्म भी रहा था इसका, इसको जल्दी से नोट डाउन करो तुम लोग यहाँ पे। कर ले, नोट डाउन कर ले यहाँ तक सब लोग। ये टर्म लोग पहले भी पढ़े हुए, स्टेगर्ड वाले में क्या रहता है, टॉर्जनल स्ट्रेंथ, वेंडर वाल स्ट्रेंथ मिनिमाइज होता है। इसमें जो एंगल स्ट्रेंथ होता है वो भी 60 डिग्री पे रहता है इसके, इसमें यहाँ पे प्रॉप डायडल एंगल की बात करते हैं अगर यहाँ पे, वो भी मिनिमाइज रहता है यहाँ पे। तो सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन का सेकेंड फॉर्म। कर ले, नोट डाउन कर लिए, बताओ इसमें। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पर। सेकेंड फॉर्म रहता है साइक्लोहेक्सेन का ही बोर्ड फॉर्म, अब देखना ये और भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। बोर्ड फॉर्म जो रहता है इस केस में, इस टाइप से दिखाते हैं यहाँ पर। ये तो तुम्हें दिखेगा गिफ्टिक, ये बोर्ड फॉर्म ही है यहाँ पे। और प्रॉपर ड्रॉ करना था, चलो अब कुछ प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। अब देखने की ये कैसा आ रहा है यहाँ पे, ये तो बोर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है, चेयर फॉर्म तो चेयर जैसा दिख नहीं रहा था, बट ये क्या आ रहा है, बोर्ड फॉर्म। इसमें भी टोटल कार्बन कितना आ रहा है देख सकते हो, 6 कार्बन आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लोहेक्सेन ये भी है। और ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म। कार्बन तो दिखा दिए, अब हाइड्रोजन को भी तो दिखाना है यहाँ पे, तो हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसमें जो हम हाइड्रोजन को दिखाते हैं इस केस में, तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन को यहाँ पे वो दिखाते हैं H और एक H, और ये दोनों जो हाइड्रोजन रहता है तो दोनों बोर्ड के एक इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे है। तो जो लोग अगर बोर्ड देखे हो गए, सब लोग देखे हो गए, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, तो दोनों के एंड पे वहां पे फ्लैग लगा रहता है, जिस भी कलर का हो जैसा भी हो उसमें फ्लैग लगा रहता है। यहाँ पे इस दोनों हाइड्रोजन को हम लोग बोलते भी हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन को हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, है फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। देखो इसमें सुन के भी एक लोग है, ये क्या रहा, दोनों हाइड्रोजन को क्या बोलना है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब इसके अलावा कुछ और हाइड्रोजन होता है, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। इसमें ये जो चारों हाइड्रोजन होता है इसको लोग एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं यहाँ पे, जो कि बोर्ड फॉर्म में सबको परपेंडिकुलर डाउनवर्ड दिखाते हैं। इसको भी जो हम लोग अपवर्ड दिखाते हैं इस दो को, इसको भी हम लोग एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं, बट इस केस में स्पेसिफिक हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक्सियल को दिखा दिया और ये भी एक्सियल है, बट इसको स्पेसिफिक बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इस दोनों केस में ये भी फ्लैग पोल हाइड्रोजन और ये भी क्या है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक्सियल वाले हाइड्रोजन को देखिए, इक्विटोरियल वाले हाइड्रोजन को, इक्विटोरियल वाला जो हाइड्रोजन आता है कुछ एंगल पे दिखाते हैं अप्रॉक्स 109.5, ये H इक्विटोरियल,
एच इक्विटोरियल एच इक्विटोरियल एच इक्विटोरियल एच इक्विटोरियल और इसमें भी क्या रहेगा यहाँ पे एच इक्विटोरियल, इस टाइप से हम दिखा पाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बोर्ड फॉर्म में जो हाइड्रोजन दिखाते हैं इस केस में, जो कि मैं रेड से दिखा रहा हूँ डिफरेंट कलर से, तो जो एक्सियल हाइड्रोजन होता है उसको परपेंडिकुलर डाउनवर्ड दिखाते हैं। और इसका भी मैं नंबरिंग करूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या कार्बन है यहाँ पे और ये 6 कार्बन। यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे जो हाइड्रोजन होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। चार एक्सियल हाइड्रोजन जो कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और बाकी इक्विटोरियल हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे एक एक, जो कि अप्रॉक्स 109.5 पे दिखाते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का बोर्ड फॉर्म आता है यहाँ पे। अब ये जो बोर्ड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है कन्फॉर्मर्स में, दैट मीन्स न्यूमॉन प्रोजेक्शन में। पीछे जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ये किस प्रोजेक्शन में आ रहा था, न्यूमॉन प्रोजेक्शन, क्योंकि इसमें पॉइंट और बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे थे और फ्रंट कार्बन को पॉइंट से, दैट मीन्स न्यूमॉन प्रोजेक्शन। इसको भी जो बोर्ड फॉर्म आ रहा था इसको भी हम लोगों को कन्फॉर्मर्स में ड्रॉ करना था, दैट मीन्स न्यूमॉन प्रोजेक्शन में। तो वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको भी समझना था यहाँ पे। इसको ड्रॉ करने का यहाँ पे सोचना है कि इसमें जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, तो लेफ्ट वाले पोर्शन को अभी क्या दिख रहा है तुम्हें, हॉरिजॉन्टल, इसको 90 डिग्री से रोटेट करा दो इसी बोर्ड को। और जब 90 डिग्री से रोटेट करा दोगे इसमें, मैं बोल रहा हूँ कि 3 और 4 वाला बाउंड है इसको होल्ड करके सामने लाना है। तो जब 3, 4 वाला को बॉन्ड को होल्ड करके सामने लाओगे तो 3 तो सामने आ जाएगा, तो 3 के जस्ट पीछे कौन सा कार्बन दिखेगा, तो इसके बताओ ब्यूटी में, थर्ड कार्बन के जस्ट पीछे बैक कार्बन कौन सा दिखेगा तुम्हें, नंबरिंग बताओ उसमें। मैं फिर चलो कुछ लोग चैट में बता रहे हो सही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं इस टाइप से इसको होल्ड कर रहा हूँ, ध्यान से फिर से देखोगे इसे कि 3, 4 का जो बॉन्ड है, इवन लेफ्ट साइड का जो पूरा पोर्शन है उसको 90 डिग्री से रोटेट करा के सामने ले आओ यहाँ पे होल्ड करके। और 90 डिग्री से रोटेट करा करके सामने लाते हो तो थर्ड कार्बन तो सामने आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, तो थर्ड के जस्ट पीछे कौन सा कार्बन दिखेगा, सही है सब लोगों का? अब इसमें आयुष के, सलोनी के, लोकेशा के, सबका सही आ रहा है। सेकंड कार्बन दिखता है वहां पे, वो क्या दिखेगा तुम्हें, सेकंड कार्बन, क्योंकि थर्ड वाले को होल्ड करके सामने लाना है। यहाँ पे तुम बैठे हो तो सोचो कि 3 और 4 कार्बन को होल्ड करके तुम अपने तरफ खींच रहे हो, तो 3 तो सामने आ जाए तो उसके जस्ट पीछे कौन सा दिखेगा, सेकेंड कार्बन। उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसी चीज को, क्या थोड़ा और सबको लाल बना दो यहाँ पर, एक ये आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। इसके यहाँ पे जो थर्ड कार्बन दिखेगा ये तुम्हें थर्ड कार्बन ये आ रहा है, और सेकंड क्या दिखेगा तुम्हें, थर्ड के जस्ट पीछे जो कि सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकती है सेकंड कार्बन। अब देखना यहाँ पे 5 और 6 की बात करें, तो जब लेफ्ट साइड का जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे, इस पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं, जो लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन है उसको 90 डिग्री से होल्ड करके रोटेट कराना है और उसको सामने लाना है, तो 5th कार्बन भी सामने आ जाएगा, और 5th कार्बन के जस्ट पीछे कौन सा दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, ये सोच के बताओ, 5th कार्बन के जस्ट पीछे बैक कार्बन कौन सा होगा, सही है बिल्कुल सब लोगों का सही है, 6th कार्बन दिखेगा वहां पे, जो 6th कार्बन वो दिखेगा वहां पे। बेसिकली ये सब जो है स्टोइकोमेट्री पूरा 3D में सोचने वाला है, ऑफलाइन क्लास होता तो वो ज्यादा बेटर होता यहाँ पे है, बट फिर भी हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि इसको 3D में नहीं सोचना है। यहाँ पे जो 5th कार्बन है इसको ले रहे हैं यहाँ पे फ्रंट कार्बन को, इसके जस्ट पीछे जो कार्बन दिखे वो क्या होगा तुम्हारा, 6th कार्बन। अब देखना यहाँ पे, और 1 और 4 बच गया, और 1 और 4 बच गया, तो जब सेकेंड वाले पोर्शन को, दैट इज लेफ्ट साइड का पोर्शन अगर सामने ला रहे हैं हम लोग, तो 4th जो दिखेगा 1 के जस्ट सामने दिखेगा, 1 चला जाएगा बैक हो जाएगा, 1 के जस्ट सामने 4 दिखेगा, और 1 और 4 एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल अगर बोर्ड को 90 डिग्री से रोटेट करा देते हो
फोर तुम्हें सामने दिखेगा और फोर्थ कार्बन के जस्ट पीछे तुम्हें फर्स्ट कार्बन दिखेगा। अब देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट कनेक्टेड किससे, यहाँ पे तो फर्स्ट कार्बन किससे कनेक्टेड है, टू एंड सिक्स, और यहाँ पे टू एंड सिक्स कौन सा कार्बन था, बैक कार्बन, दैट मीन्स टू और सिक्स कार्बन का कनेक्टेड दिखा दो यहाँ पे, ये क्या गया वन। अब यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन है तुम्हारा वो भी वन को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, वो फ्रंट में होगा, उसको कैसे दिखाएंगे, और वो फोर्थ किससे कनेक्टेड है, थ्री एंड फिफ्थ कार्बन से, थ्री एंड फिफ्थ कार्बन से आ रहा है और एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, ये क्या है तुम्हारा फोर और ये वन आ गया, बट वन के जस्ट सामने फोर्थ कार्बन होगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो हम लोग कार्बन को, हर एक कार्बन को दिखा दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन को अगर दिखाते हैं हम लोग इस केस में, हाइड्रोजन को हम नॉर्मली दिखा सकते हैं इस केस में, ये क्या आ जाएगा H, H, क्योंकि उसको कितने एंगल पे दिखाना है, विमान प्रयोग में 120 के अप्रॉक्स, तो फिफ्थ कार्बन से दो दो H कनेक्टेड था, एक H को नीचे दिखा दिया हम लोग, और देखिए फिफ्थ कार्बन को देखोगे यहाँ पे, यहाँ का कार्बन एक जो हाइड्रोजन है नीचे आ रहा है यहाँ पे और एक किस एंगल पे आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे सिक्स कार्बन की बात करें तो सिक्स कार्बन में क्या होगा, एक H नीचे आ रहा है यहाँ पे, नीचे दिखा दोगे इसको बैक कार्बन से, एक एच, एक एच ऊपर रहेगा इसमें, फिर सॉरी एक एच को नीचे दिखा रहे हैं, ये कुछ एंगल पे दिखाना है मुझे यहाँ पे, कुछ एंगल पे इसको हम इस साइड पे दिखाते हैं जनरली बोर्ड फॉर्म में, बट यहाँ पे जब दिखाते हैं विमान में, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो एक तो फिर इधर ही दिखाते हैं हम लोग एच, इसमें भी सेम एच एच, और फिर सेकेंड कार्बन जो आ रहा था ये बैक कार्बन, उसका एच एच ए नीचे और एच ई थ्री साइड। अब देखना यहाँ पे कि ये जो फॉर्म आ गया ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स या स्टेगर्ड, बताओ ये सिंपल सा सोच के बताओ, सही है बिल्कुल, ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स, सही है सब लोगों का सही है, ये कौन सा फॉर्म आ गया, इक्लिप्स। अब इक्लिप्स फॉर्म जो होता है इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन, वैंडरवाल स्ट्रेन, वो क्या होता है इसमें मैक्सिमाइज हो जाता है, और जब मैक्सिमाइज हो गया दैट मीन्स इसका जो स्टेबिलिटी होता है कम हो जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट खुद से नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो रहेगा इक्लिप्स फॉर्म में वेंडर वाल स्ट्रेन, टॉर्जनेशन, वो सब क्या होता है इसमें मैक्सिमाइज हो जाता है, मैक्सिमम इसमें स्ट्रेन होता है इसके, इसमें हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हम लोग इक्लिप्स और स्टेगर्ड में कन्वर्ट क्यों कर रहे थे इस दोनों फॉर्म को, इसका मतलब यहाँ पे ये था, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी निकालने के लिए। अब यहाँ से क्लियर स्टेबिलिटी पता चल पाता है कि चेयर और बोर्ड फॉर्म में से, दोनों फॉर्म में से ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा साइक्लोहेक्सेन का, चेयर फॉर्म या बोर्ड फॉर्म, ये सोच के बताओ, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल फॉर्म, सही है बिल्कुल बिल्कुल। चलो इस हाइड्रोजन को दिखा दिया, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जनरली दिखाते नहीं है, फिर भी दिखाना हो यहाँ का जो एच है वो नॉर्मली दिखा दो, यहाँ पे दिखा दे, वहां पे वो नॉर्मल दिखाएंगे, सही है सब लोगों का, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें एच को दिखाना भी हो एच एच, और यहाँ का जो एच है ये भी जस्ट सामने तुम्हें दिखेगा, जो कि इस एच को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, तुम जनरली यहाँ पे दिखाते नहीं, बाकी ऐसा नहीं कि वहां का हाइड्रोजन नहीं चला गया, दोनों दो दो हाइड्रोजन अभी भी वन पे और फोर्थ कार्बन पे भी है, बट एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखाते हैं, वन के जस्ट सामने ये दोनों हाइड्रोजन दिखेगा, इस दोनों हाइड्रोजन के सामने स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो गया, यहाँ पे चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है बोर्ड फॉर्म से, ये हमेशा याद रखना है, तो क्लियर है। इक्लिप्स फॉर्म में और स्टेगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही पर्पस है कि चेयर और बोर्ड में हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाए, जो कि हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर पा रहे हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो तुम लोग यहाँ पे।
तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर कर लिया था, नोट डाउन कर लिया सब लोग। हाँ सर। चलो ठीक है, और ये कन्वर्जन कैसे लिख रहे हैं अपने लैंग्वेज में खुद से नोट भी कर सकते हो। इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है बोर्ड फॉर्म का, इस पूरे पोर्शन को होल्ड करके सामने ला रहे हैं, थ्री डी में सोचना है बेसिकली, 90 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं बोर्ड फॉर्म को, तो फिर ये क्लियरली आ जाएगा इस टाइप की। उससे भी जब रिवाइज करोगे तो पता चल पाएगा कि कन्वर्जन कैसे हुआ है। बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन जो आता है एक स्टूडी से रिलेटेड रहेगा, और इसका रीजन कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि स्टेगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट जब करते हैं तो स्टेगर्ड फॉर्म में आ जाता है, और उसमें टॉर्जनल स्ट्रेंथ वैन डर वाल्स स्ट्रेंथ मिनिमाइज हो जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्रीपिंग इन साइक्लोहेक्सेन, फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें देखना है कि फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक चेयर फॉर्म पिक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और चेयर फॉर्म ड्रॉ करने का तरीका इसमें ये होता है, इस केस में ये वाला जो बाउंड है इसमें ये और ये बाउंड है दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, और एक नीचे रहेगा और एक ऊपर इस टाइप से, ये क्या हमारा चेयर फॉर्म है ये। अब यही जो चेयर फॉर्म है बेसिकली जब रोटेट करता है यहाँ पे, एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में रोटेट करते रहता है, देख लो इसको इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा क्या है इसमें चेयर फॉर्म। अब यही चेयर फॉर्म जब रोटेट करता है यहाँ पे है, इस टाइप से अगर इसको रोटेट कराता है यहाँ पे है, ये वाला जो पोर्शन है इधर आ जाओ, ये जब इस टाइप से रोटेट कराता है यहाँ पे, इसमें कुछ इस टाइप का एक नया फॉर्म डेवलप हो जाता है इसमें, और कुछ इस टाइप कराता है यहाँ पे, सिक्स कार्बन अभी भी है यहाँ पे है, जब इसको रोटेट कराते हैं यहाँ पे है एक नया फॉर्म आ जाता है, और इसको बोलते हैं फिर हम लोग यहाँ पे हाफ चेयर, ये क्या रहता है इसमें हाफ चेयर फॉर्म, क्योंकि इसमें ऊपर का तो है ऊपर यहाँ पे, बट नीचे का जो पोर्शन उसको हटा दिया जाता है, इस टाइप से दिखाते हैं यहाँ पे, ये क्या आ गया हाफ चेयर। अब ये हाफ चेयर फिर से जब रोटेट करता है यहाँ पे, देख लो इसमें कंक्लूजन बस याद रखना है, करना क्या इसमें कि ये हाफ चेयर आ गया, जब इसको रोटेट और भी कराता है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का फॉर्म आ जाता है यहाँ पे, और जब इस टाइप का फॉर्म आता है यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म आ जाता है यहाँ पे, इसके यहाँ पे कुछ है ना कि इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट बोट नहीं रहता, इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये क्या होता है ट्विस्ट बोट। तो पहला चेयर फॉर्म यही जब रोटेट करता है, फ्लिपिंग का मतलब क्या, जब रोटेट करता है तो नया नया फॉर्म आता है बीच में, हाफ चेयर ट्विस्ट बोट, इसको फिर से अगर रोटेट कराते हैं यहाँ पे हम लोग, मिनट में यहाँ पे इसको इसी को जब और भी रोटेट कराते हैं, चलो मैं नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पे है। जब ट्विस्ट बोर्ड से कन्वर्ट होता है तो फिर ये फाइनली बोर्ड फॉर्म आ पाता है यहाँ पर, ये कौन सा फॉर्म आ गया बोर्ड फॉर्म। अब ये जो बोर्ड फॉर्म है यहाँ पे ये फिर से अगर रोटेट करता है यहाँ पे है, इसमें फिर से एक नया फॉर्म आता है यहाँ पे, तो इस टाइप से ड्रॉ करना है, रटने की जरूरत नहीं, बस कंक्लूजन याद रखना है, देख लो यहाँ पे इस टाइप से आता है इसमें यहाँ पे, इसमें भी कितना कार्बन दिख रहा है, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक कार्बन यहाँ पर आया 6, ये भी एक ट्विस्ट बोट, ये भी ट्विस्ट बोट है, और इसको भी मैं ट्विस्ट बोट बोलते हैं यहाँ पे ट्विस्ट बोट।
अब ये जब फिर से कन्वर्ट होता है यहाँ पे है, ये कुछ इस टाइप का आ जाता है यहाँ पे। ये कौन सा फॉर्म आ गया देख करके बताओ यहाँ पे, इसमें जो बोर्ड पे लिखा गया है उसमें से कौन सा फॉर्म है? हाफ शेयर। सही है बिल्कुल, ये क्या रहता है फिर से हाफ शेयर बन जाता है यहाँ पे, और ये हाफ शेयर फाइनली जो होता है यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आ जाता है। ये वाला पोर्शन है ऊपर आ गया, अब जब ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया ये जब रोटेट करता है अब ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा यहाँ पे, और जब ये पोर्शन नीचे जाता है यहाँ पे है ये कुछ इस टाइप से दिखाते हैं यहाँ पर। ये कौन सा फॉर्म आ गया तुम्हारा, जितना बोर्ड पे टॉक है उसमें से कौन सा फॉर्म है ये? सही है, ये क्या है चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल जो होता है चेयर फॉर्म, सही है सब लोगों का। इसमें क्या होता है चेयर फॉर्म ए से चेयर फॉर्म बी में वो कन्वर्ट होते रहता है यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारा इसमें चेयर फॉर्म ए और ये चेयर फॉर्म बी, एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे ये जो कन्वर्जन होता है इस केस में, इसमें कितने डिफरेंट फॉर्म आ गए, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड और फिर एक बोर्ड फॉर्म, बाकी फिर रिपीट करता है। इसमें हम लोगों को स्टेबिलिटी निकालना है यहाँ पे, कि स्टेबिलिटी जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका रहता है। दो फॉर्म में तो क्लियर था कि चेयर और बोर्ड में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा आता था, चेयर का। अब यहाँ पे और भी फॉर्म आ गया है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी रहेगा सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म का, उसके बाद फिर ट्विस्ट बोर्ड होता है यहाँ पे, ट्विस्ट बोर्ड, देन बोर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में हाफ चेयर। अब इसको डायरेक्टली याद रखना रहेगा, चेयर और बोर्ड में मैंने कंपेयर करेंगे बताया कि कैसे करते हैं, बट इस चारों में कंपेयर करने के लिए चेयर और बोर्ड में क्लियरली था कि चेयर हमेशा मोर स्टेबल बोर्ड फॉर्म से। अब जो दो नया फॉर्म आ गए इसको डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन मीन्स का आया हुआ क्वेश्चन है कि चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड और हाफ चेयर में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, बस एक ये डायरेक्टली इसी को याद रखना है, पूरा स्ट्रक्चर अलग से रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये सब पार्ट जो है हमारा बोर्ड का पार्ट नहीं होता, ये मेनली पूछा भी जाएगा तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनटीए ये क्वेश्चन पूछा पूछ चुका है जेई मेंस में, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों में। ये ऑर्डर याद रखना कि चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, देन ट्विस्ट बोर्ड, देन बोर्ड और सबसे लास्ट में हाफ चेयर, उसको बस जल्दी से ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ये ऑर्डर याद रखना। एक पॉइंट और भी इसको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो तुम लोग इसमें। कर लिए, ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। अब एक पॉइंट लास्ट में ये भी ड्रॉ करो, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसमें, तो ठीक है नोट कर लो पहले प्रॉपर इसको। बेसिकली ये चेयर फॉर्म ए से चेयर फॉर्म बी में कन्वर्ट होते रहता है, चेयर फॉर्म ए चेयर फॉर्म बी एक ही जैसा, बट इसमें जो राइट वाला पोर्शन है चेयर फॉर्म ए में वो ऊपर दिखाया गया है और चेयर फॉर्म बी में जो राइट वाला पोर्शन है उसको नीचे दिखाया गया है। डायग्राम ड्रॉ करना, बट उसको डायग्राम को प्रैक्टिस भी नहीं करना, रटना भी नहीं है, बस ये याद रखना कि चार डिफरेंट फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का, जब वो रोटेट करता है एक चेयर फॉर्म में दूसरे चेयर फॉर्म में, और वो चारों फॉर्म में स्टेबिलिटी डायरेक्टली याद रख लेना है। चेयर का सबसे ज्यादा वो तो रीजन भी देखे थे, देन ट्विस्ट बोर्ड, देन बोर्ड और लास्ट में हाफ चेयर,
अब एक क्वेश्चन आता है जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा कि ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म इज काइरल, तो सिर्फ काइरल वर्ड यूज किया जाए, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, बट अगर सिर्फ काइरल वर्ड यूज किया जाए, काइरल सेंटर नहीं बोला जाए, तो सिर्फ काइरल वर्ड का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो काइरल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, या सिर्फ काइरल बोला जाए, दैट इज वो क्या फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इस केस में चेक नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इतना याद रखना है कि जो ट्विस्ट बोर्ड होता है उसमें इतना ज्यादा ट्विस्ट होता है कि कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाता, और प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ पा रहा है, दैट इज वो कैसा फॉर्म होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो याद रखने का ये तरीका है कि ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्विस्ट है दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, जिसके चलते वो काइरल मॉलिक्यूल हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे है। इस केस में वो पीओसी, ये पीओएस और सीओएस देखने के लिए नहीं बैठेंगे यहाँ पे, कैसे पीओएस और सीओएस आ रहा है, सिंपली याद रख लेना है, कितना ज्यादा ट्विस्टेड होता है उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं हो पाता है, दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। कर लिए, नोट डाउन कर लिए सब लोग यहाँ तक? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होगा इस केस में, ये जो फिटिंग इन साइक्लोहेक्सेन आर, दैट मींस एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, एक सिंपल सा 2 मिनट का टॉपिक, उसको देखोगे इसमें। और तो बोलते हैं यहाँ पे फिटिंग कंसीक्वेंसेस, फ्लिपिंग कंसीक्वेंसेस, फ्लिपिंग कंसीक्वेंसेस। अब यहां पर देखना कि एक चेयर फॉर्म आ रहा है इस केस में, इस टाइप का कुछ आ रहा है एक चेयर फॉर्म। अब यही चेयर फॉर्म जो होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म बी में कन्वर्ट होता है। दूसरा चेयर फॉर्म बी कैसे ड्रॉ कर रहे थे, तो पीछे देख रहे थे, ये पोर्शन जो है इसमें ऊपर चला जाता है यहाँ पे, एक मिनट इसको फिर से ड्रॉ करोगे इस टाइप से यहाँ पर। इस टाइप से कुछ रहेगा यहाँ पर, ये चेयर फॉर्म ए, और चेयर फॉर्म ए से चेयर फॉर्म बी में जो कन्वर्ट होता है उसके बीच में कुछ डिफरेंट फॉर्म आ जाता है, दैट मीन्स ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड हाफ चेयर, चेयर फॉर्म ए और चेयर फॉर्म बी। तो फाइनली जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है सारे फॉर्म में, तो चेयर फॉर्म ए या चेयर फॉर्म बी में ये रीच करता है, कुछ टाइम के लिए कुछ और फॉर्म आ जाता है लाइक ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड और हाफ चेयर। अब देखने की दोनों चेयर फॉर्म आ रहा है, चेयर फॉर्म और चेयर फॉर्म बी। अब इसमें भी यहाँ पे सीस और ट्रांस चेक करता हूँ इस केस में, तो सीस और ट्रांस कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ये जो अगर मान लो चेयर फॉर्म ए है इसमें, ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया यहाँ पे, अब मैं एक अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ अगर यहाँ पे, अब इसमें देखना है एक अगर मैं यहाँ पे ग्रुप दिखा दूं, इस चेयर फॉर्म में जो एक एच यहाँ पे दिखाया गया है और एक एच यहाँ पे दिखाया गया है, तो क्या एक एक्सल और एक इक्विटोरियल, यहाँ पे मैं ए को दिखा देता हूँ, कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पे बी हो। अब इस केस में देखना यहाँ पे इसमें सीस और ट्रांस देखना है हम लोगों को, बेसिकली इस साइक्लोहेक्सेन में सीस ट्रांस कन्फिग्रेशन देखोगे, बहुत ही आसान है टॉपिक है बस। अब जब भी इस टाइप के चेयर फॉर्म दिया रहे और जब भी सिस्टम देखें हमेशा चेयर फॉर्म में। अब यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इस केस में, अब देखने की इस हॉरिजेंटल लाइन के, सुनो क्या बोल रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन,
अब इस हॉरिजेंटल लाइन के जो भी अगर अपवर्ड ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे क्या है अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है यहाँ पे है। देखो इसमें बेसिकली एक एक ग्रुप ही लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, दो डिफरेंट कारण पे मैं लगा के दिखा दूँ तो ज्यादा क्लियर रहेगा इसमें। अब यहाँ पे क्या इस केस में एक और यहाँ पे आ जाए ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, मान लो कि बी है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग दोनों कार्बन पे। अब देखना है कि इसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एक ये जो ग्रुप आ रहा था ए और ये बी, दोनों कैसे आ रहा है इसमें अपवर्ड, तो बोथ ग्रुप आर अपवर्ड, दैट मीन्स वो सेम साइड है। तो दोनों जो ग्रुप या एटम है वो अगर अपवर्ड हो, या मान लेते कि ये क्या एक नीचे होता और ये भी नीचे होता यहाँ पे है उसी टाइप से, तो दोनों ग्रुप या डाउनवर्ड भी हो, दोनों डाउनवर्ड और ये डाउनवर्ड, तो दो ग्रुप अपवर्ड हो दोनों या दोनों डाउनवर्ड, तो कौन सा फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे हमारा, सेम साइड आ रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों आ रहा है तो सीस फॉर्म, और कोई भी एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड हो वहां पे तो वो कौन सा आ जाएगा अपोजिट, दैट मीन्स वो कौन सा फॉर्म आ जाएगा वहां पे हमारा ट्रांसफॉर्म। बस इतना नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ज्यादा कुछ में बचा नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में इसको क्लिक करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। इसमें कैसे चेक करना यहाँ पे, एक मैं मान लो कि एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो यहाँ पे, अब इसमें एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे तो मैं CH3 और यहाँ पे CH3, इसको नोट भी करो, इसमें सोच के बताना है कि कौन सा फॉर्म है सीस या ट्रांस। इसको नोट डाउन भी करना है और इसमें सोच के बताना है कि ये सीस फॉर्म या ट्रांस। नहीं करना क्या है बताओ, बाकी लोग बताओ, जहां पे ग्रुप लगाओ वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया अपने मन से, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर भी इस काम में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में देखना है वहां पे, सही है सब लोगों का, सही है चैट में बता रहे हो कि क्या इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ये ग्रुप कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ रहा है, दैट मीन्स ये भी डाउनवर्ड है, और इस काम में भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है वो भी डाउनवर्ड दिखा रहा है नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो दोनों जो ग्रुप है CH3 CH3 वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो दोनों डाउनवर्ड हो या दोनों अपवर्ड हो तो वो सीस है, और एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड तो वो ट्रांस, ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे सीस फॉर्म। क्लियर है यहाँ पे है, बाकी बहुत ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ भी है ए और बी, यहाँ पे मान लेते कि ये CH3 होता और यहाँ पर CH3 होता, ये दोनों CH3 क्या है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड है दोनों CH3, तो दोनों CH3 अपवर्ड है, ये भी क्या रहता सीस फॉर्म। अब इसी में ये जो बी है यहाँ पे, ये बी इस जगह ना होके नीचे दिखा दिया जाता है यहाँ पे, ये बी यहाँ पे नहीं रहता, एक अपवर्ड ग्रुप होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ये नीचे रहता, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, वो क्या आ जाता है ट्रांसफॉर्म। क्लियर है सब लोगों को, किसमें किन्हीं को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जो कि समझना है। तुम लोगों का जो होमवर्क है जहां तक डिस्कस हो गया एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज वन में 3-4 सेक्शन हुआ था, ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट और कुछ ऑप्टिकल वाला, एक्सरसाइज वन का जो रिमेनिंग सेक्शन है दैट मीन्स एक्सरसाइज वन कंप्लीट, और एक दो क्वेश्चन अगर लास्ट का नहीं बनता है और वो एक दो क्वेश्चन ही मिलेगा जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा चेयर फॉर्म का, मतलब ये कन्फॉर्मेंस का, तो वो छोड़ दोगे, एक दो क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स एक्सरसाइज वन कंप्लीट करना है तुम लोगों को, एक्सरसाइज टू भी कंप्लीट, कुछ किए भी होगे मैं पहले से बता रहा हूँ कि करते रहोगे तुम लोग, और एक्सरसाइज थ्री भी कंप्लीट करना है, शायद मेरा लेक्चर भी एक दो दिन के बाद ही है लेक्चर, तो तुम लोग कंप्लीट कर लोगे एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू और एक्सरसाइज थ्री। पहले हम मॉड्यूल की बात करेंगे फिर डीपीपी भी आएंगे।
बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितना भी मैंने थ्योरी बताया हुआ है उसको क्लियर कर लोगे वहां पर, और पूरा थ्योरी जब क्लियर हो जाएगा तो फिर इसमें मेरा जो लेक्चर है तुम लोगों के फ्राइडे को है, तो दो दिन टाइम है, वेडनेसडे थर्सडे है, ये पूरा तीनों एक्सरसाइज कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस ही करेंगे क्योंकि पढ़ने के ज्यादा कुछ है नहीं, 10 मिनट का टॉपिक बचा है, तो सब लोग अच्छे से इसको कम्प्लीट करोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, आज के सेशन में कोई डॉट वगैरह तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं सेशन एंड करता हूँ। फिर चलो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, कोई डाउट नहीं है तो।